हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ को पास करना सीखा था। हमने समझा था कि डिस्काउंट बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड वन इज़ कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बेसिकली होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स को देते हैं एंड इसकी कहीं पर भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती, सिर्फ इसका इफेक्ट दिखाया जाता है थ्रू अमाउंट्स। जो कैश डिस्काउंट था वो टू वेज में आपके ऊपर लग सकता है, या तो जब आप सेल करते हो या फिर जब आप गुड्स को परचेज करते हो। जब आप गुड्स को सेल करते हो तो आप सामने वाली पार्टी को, दैट मीन्स डेटर्स को, आप डिस्काउंट अलाउ करते हो। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपके लिए एक्सपेंस होता है एंड अकॉर्डिंगली आप उसको डेबिट करते हो। तो सेकेंड वन इज, आप जब परचेज करते हो तो जिससे आप परचेज कर रहे हो, दैट इज़ क्रेडिटर, वो आपको डिस्काउंट देता है, तो वो आप डिस्काउंट रिसीव करते हो। सो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है। सो बेसिकली हमने डिस्काउंट के ऊपर ये सब चीज़ें समझी थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस की थी, दैट वाज कि कैश डिस्काउंट सिर्फ उस पोर्शन पर ही लगता है जिस पोर्शन पे कैश रिसीव हुआ है। मतलब जो कैश में पेमेंट जो की गई है, सिर्फ उसी पोर्शन पे आप कैश डिस्काउंट को अवेल करते हो, क्रेडिट पोर्शन पे नहीं करते हो। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों पे अवेल किया जा सकता है। नेक्स्ट, आज के टॉपिक में, आज के क्लास में हम बेसिकली फोर टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मींस, स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हो, तो लेट अस सपोज आपने 1 लाख का कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, आपने 1/4 2012 को एक फिक्स्ड एसेट परचेज किया फॉर ₹2 लाख। अब आज अगर आप इस फिक्स्ड एसेट को सेल करने जाते हो, आज दैट मींस लेट अस सपोज आप 1/8/2019 को इस एसेट को सेल करने जा रहे हो, तो आप 2 लाख में तो सेल नहीं कर पाओगे, आप कम ही वैल्यू पे कर पाओगे। लेट अस सपोज आप इसको सिर्फ 40,000 पे ही सेल कर पा रहे हो, तो जो डिक्रीज हुआ है वैल्यू में वो क्यों हुआ है? ईदर आपने उसको यूज़ किया है या फिर टाइम की पैसेज की वजह से डिक्रीज हुई है इसकी वैल्यू, जो 1,60,000 डिक्रीज हुई है। ये कितने सालों में हुई है? ये अराउंड 6 ईयर्स में हुई है। तो 6 ईयर्स में जो ये वैल्यू डिक्रीज हुई है, 2012 में ख़रीदा था, 19 में आप सेल कर रहे हो, तो 6 ईयर्स के अराउंड हो गए। तो 6 ईयर्स में जो इसकी जो वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो वो डिक्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। किस वजह से? ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी हम अपने बुक्स में फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, तो जिस वैल्यू पे हमने परचेज किया है, लेस डेप्रिसिएशन करके ही जो वैल्यू आती है उस पर ही हम अपने फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। हमेशा हम उसकी कॉस्ट प्राइस पे नहीं करते। हम मान के चलते हैं कि हर साल इतने अमाउंट से या फिर इतने परसेंटेज से उस एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होगा, उस परसेंटेज या उस अमाउंट को जो निकल के आता है उसको हम अपना लॉस मान के, अपना बिजनेस लॉस मान के या फिर एक्सपेंस ट्रीट करते हैं एंड बैलेंस को, जो एसेट है उसकी वैल्यू लेस करके दिखाते हैं। जो भी कॉस्ट वैल्यू है, लेस डेप्रिसिएशन करके ही हम फिक्स्ड एसेट की वैल्यू शो करते हैं। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम। ये आपका बिजनेस एक्सपेंस है। अब क्योंकि आपकी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, आपकी वैल्यू पहले 2 लाख की थी, अब 40,000 की हो गई, ये डिक्रीज हुई है, बट एक्चुअल में तो कैश का आउटफ्लो हुआ नहीं है। जो 1,60,000 है आपके पास से तो कैश नहीं जा रहा, बट इसकी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है। कैसे? जब आप सेल करने जाओगे तो आप 2 लाख का नहीं सेल कर पाओगे, आप 40 का ही सेल कर पाओगे। तो जो ये डिक्रीज हुआ है ओवर 6 ईयर्स, इसको हम हर साल दिखाते हैं एज डेप्रिसिएशन। ये नॉन कैश आइटम होता है, ये बेसिकली एक्सपेंस या फिर लॉस है आपके बिजनेस के लिए, एंड इसीलिए इसको डेबिट करते हैं। एंड जिस भी एसेट की आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, उस एसेट को आप क्रेडिट करते हो, उसकी वैल्यू को, उस एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए आप एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हो और डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट करते हो। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो आपका बिजनेस का एक्सपेंस है, इसमें कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता। सिर्फ सिंपली द थिंग इज, ये आपकी एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता रहता है, वो डिक्रीज जो आप दिखाते हो डेप्रिसिएशन के थ्रू दिखाते हो। तो जब भी कोई एसेट आपने परचेज करी है तो वो डेप्रिसिएट होगी ही होगी। इसका एक डेप्रिसिएशन, हर एसेट आपकी डिक्रीज होती है, बट जैसे लैंड हो गया,
ये एक्सेप्शनल केस है, लैंड हमेशा एप्रिशिएट होता है, बट जितने भी एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका आपकी बिल्डिंग हो गई, आपका फर्नीचर हो गया, जो आप यूज़ करते हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका डिक्रीज होता है, बट आपका जो लैंड है ये हमेशा एप्रिशिएट होता है. सो लैंड एक एक्सेप्शनल केस है फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन के लिए. सो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगती है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. तो जो वैल्यू में जो गिरावट आई है, जो डिक्रीमेंट हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन. सो जब भी हम जर्नल एंट्री हम इसकी कैसे पास करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं. क्यों डेबिट किया? क्योंकि ये एक्सपेंस है एंड हमारे पास से क्या गया? हमारी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ, तो जितनी वैल्यू से डिक्रीज हुआ उतने अमाउंट से एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं. एंड डेबिट किसको करते हैं? लॉस को, एक्सपेंस को, जिसका क्या नाम है? डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये भी नॉन कैश आइटम है. जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता, ये सिर्फ हम बुक्स में रिकॉर्ड करने के पर्पस से हम इसकी एंट्री करते हैं. ऐसे ही सेम गोज़ विद डेप्रिसिएशन, कैश का आउटफ्लो नहीं होता, नॉन कैश आउटफ्लो है, बट क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारी एसेट जो है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वो वैल्यू में डिक्रीज दिखाने के लिए हम डेप्रिसिएशन के अकाउंट एक अलग से अकाउंट खोलते हैं जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, एंड उसमें अमाउंट को डेबिट करते हैं. नेक्स्ट एंट्री जो आप डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में वो है एक्सपेंडिचर जो आप इनकर करते हो ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी नई मशीनरी परचेज करते हो तो उस टाइम पे जो भी आपने खर्चे किए हैं, जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं उस नई मशीनरी को परचेज करने में, फॉर एग्जांपल आपने उसको रेडी करने में, टू मेक इट रेडी फॉर यूज़, जितने भी आपने एक्सपेंसेस करें, जैसे कार्टेज का हो गया, आने जाने का खर्चा हो गया, उसकी इंस्टॉलेशन का हो गया, मशीनरी आपने अपने अपनी लैंड पे लगवाई है तो उसकी इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ, वो सारा उस किस में आप डेबिट करते हो? मशीनरी के ही अकाउंट में आप डालते हो. मशीनरी जिस वैल्यू की आपने खरीदी है उसी में आप इंक्लूड करते हो वो सारे खर्चे जो उस टाइम पे आप इनकर करते हो मशीनरी को परचेज करने के टाइम पे. समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सेकेंड हैंड मशीनरी भी परचेज करते हो, तो सेकेंड हैंड मशीनरी को आपने मान लो परचेज किया, तो जो भी उसके आपने एक्सपेंसेस करे हैं ओवरहॉलिंग या रिपेयर्स के, उसी टाइम पे जब परचेजेस के टाइम पे, तो वो भी उस सेकेंड हैंड मशीनरी के वैल्यू में ऐड हो जाते हैं. एंड दोनों ही केसेस में, या तो आपने न्यू मशीनरी खरीदी है या फिर आपने सेकेंड हैंड खरीदी है, दोनों ही केसेस में जो हैंड टू हैंड आपने एक्सपेंसेस किए हैं उसकी इंस्टॉलेशन पे या फिर उसकी ओवरहॉलिंग में, इन केस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, वो तो आप उसकी कॉस्ट में ऐड करोगे उस मशीनरी की, बट सब्सिक्वेंटली जो आप एक्सपेंसेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल रिपेयर्स का हो गया, वो आप मशीनरी की कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, उसके लिए आप अलग से एक अकाउंट बनाओगे, रिपेयर्स अकाउंट, एंड उसके अंदर आप अमाउंट को डेबिट करोगे. सो जो उसी टाइम पे हम एक्सपेंसेस करते हैं उसको हम मशीनरी की वैल्यू में ऐड करते हैं, एंड जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस होते हैं रिपेयर्स और मेंटेनेंस के, वो हम अलग से ही दिखाते हैं, उनको हम रिपेयर्स अकाउंट में ही डालते हैं. सो एक ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. तो जो थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका, जब भी आप कोई बिल्डिंग को परचेज करते हो या फिर कंस्ट्रक्ट करते हो, तो जो आप एक्सपेंसेस करते हो वो भी उस बिल्डिंग की वैल्यू में ही जाके ऐड होंगे. फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी है, लेट अस सपोज 10 लाख की, उस बिल्डिंग को परचेज करने के लिए आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी, या रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्टर कराने की आपने ड्यूटीज़ पे करी, वो सारे ही एक्सपेंसेस आप उस बिल्डिंग के ही अंदर ही डालोगे. सब्सिक्वेंटली जो आप बिल्डिंग पे रिपेयर्स करोगे वो आप रिपेयर्स हेड में डालोगे, या फिर वो हम देखेंगे कि अगर मेजर रिपेयर है तो हम उस एसेट के ही अकाउंट में डालेंगे, या फिर अगर माइनर रिपेयर है तो हम रिपेयर्स अकाउंट में डालेंगे. सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में वो है गुड्स. अगर आप गुड्स को एज फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब डाबर कंपनी ने ये ऑयल कंपनी ने जब अपना ये कोकोनट ऑयल जब स्टार्ट किया था, तो उन्होंने नए छोटे छोटे सैशेज में ना ऑयल अपने न्यूज़पेपर के साथ अटैच करके सेल करना स्टार्ट किया था.
सो बेसिकली वो फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उन सैशेज़ का, उन कोकोनट ऑयल के सैशेज़ का फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फॉर एडवर्टिजमेंट पर्पज़, सो दैट लोग उसको यूज़ करें एंड देन वो उसको परचेज करें. तो समटाइम्स क्या होता है, आप गुड्स को ना एज फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो. तो जब आप फ्री सैम्पल्स आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो वो चीज़, आप अपने अपने गुड्स की प्रमोशन करने के लिए करते हो, कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो जब वो एज फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है. तो हम किसको डेबिट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस को डेबिट करेंगे. और हमारे पास, हमारे बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, जब हम फ्री सैम्पल्स के तौर पे हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं. किस वैल्यू पे जा रहे हैं, परचेज वैल्यू पे. हम सेल वैल्यू पे नहीं कर रहे हैं, हम उनको बेच नहीं रहे, हम उनको सेल नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ना हमें उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा, हाँ हो सकता है लॉस हो रहा हो बट कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपका बेसिकली एक्सपेंस हो रहा है. वो आप क्यों कर रहे हो, ताकि लोग उसको यूज़ करें एंड वो सब्सिक्वेंटली उसको परचेज करें. फ्री में बांटने से वो यूज़ करेंगे एंड जब उनको अच्छा लगेगा प्रोडक्ट देन दे विल परचेज इट. सो जब भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एज फ्री सैम्पल्स तो हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं एंड परचेजेस को क्रेडिट करते हैं. नेक्स्ट जो हम एंट्री डिस्कस करेंगे वो है बैडेट्स. बैडेट्स क्या होता है, समटाइम जो बिजनेसमैन है वो जो बिजनेस है वो अपने समटाइम्स क्या होता है, वो गुड्स को सेल करता है ऑन क्रेडिट. तो जिस पर्सन को उसने गुड्स सेल करे हैं ऑन क्रेडिट वो क्या हो गया, वो डेटर बन गया. अब डेटर को आपने गुड्स सेल कर दी ऑन क्रेडिट, हो सकता है वो आपको पेमेंट दे दे, हो सकता है वो पेमेंट ना दे. अगर डेटर कह देता है कि मैं जो भी आपका अमाउंट ड्यू है वो मैं पे नहीं कर पा रहा, जब भी कोई डेटर, जब भी आप गुड्स सेल करते हो ऑन क्रेडिट किसी कस्टमर को एंड वो कस्टमर मना कर देता है फॉर एनी रीज़न, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया है या फिर कोई भी रीज़न की वजह से वो आपका अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है, तो जितना अमाउंट वो पे नहीं कर पा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स. बैड डेट्स मतलब वो डेट्स जो आपके बैड हो गए, जिनसे रिकवरी का कोई चांस नहीं है. तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब आपने उस पार्टी को सेल करे थे गुड्स तो आपने क्या एंट्री करी थी, डेटर्स टू सेल्स. अब फॉर एग्जाम्पल डेटर्स टू सेल करी थी, लेटर सपोज ये डेटर मोहन था, मोहन टू सेल्स करी थी. अब मोहन 10,000 की थी, अब मोहन ने 4-5 months के बाद कहा कि सर मैं पेमेंट नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज़ आप इसको बैड डेट्स लिख दो, बहुत साल हो गए वो पे ही नहीं कर पा रहा. तो आप इसको अभी अगर ये अमाउंट पे नहीं कर पा रहा तो ये आपके लिए लॉस है, क्योंकि आपने जब उसको सेल किया तो उसने उस टाइम पे आपने उससे प्रॉमिस लिया कि वो फ्यूचर में पे करेगा. अब उसने अपना प्रॉमिस नहीं फुलफ़िल किया तो वो जो जितना अमाउंट उससे नहीं रिकवर हुआ वो आपका लॉस है. तो उस लॉस को हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स. वो डेट्स जो बैड हो गए तो हम किसको डेबिट करेंगे, 10,000 को बैड डेट्स के नाम से. एंड क्रेडिट किसको करेंगे, मोहन को, डेटर को. मोहन डेटर कौन है हमारा यहाँ पे, मोहन. मोहन को कितने से, 10,000 से. मोहन को क्यों करेंगे, क्योंकि अब जो मोहन है उससे हमें 10,000 लेने थे बट इसने मना कर दिया, ये पे ही नहीं कर रहा. सो अभी पे नहीं कर रहा तो आप इसके अकाउंट को ख़त्म करोगे, इसके अकाउंट को नलीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इसको क्रेडिट करोगे. जब आपने इसे सेल किया था तो आपने इसके अकाउंट को डेबिट किया था, अब इसने मना कर दिया पेमेंट देने से तो आप इसके अकाउंट को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करोगे. स्टूडेंट्स अब क्या, अब आप पूछोगे कि मैम क्या रीज़न हो सकता है कि ये पेमेंट नहीं दे पा रहा. स्टूडेंट्स हो सकता है कि ये कोई इसका जेन्युइन रीज़न हो, ये ही माइट बी इल, या फिर समटाइम्स क्या होता है, एक टर्म होती है इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मतलब कोई पर्सन जब अपने डेट्स को नहीं पे कर पा रहा होता है तो वो कोर्ट के पास जाता है एंड कोर्ट से वो अपील करता है कि जितने भी मेरे पास अभी एसेट्स हैं आप उनकी वैल्यू करो एंड ये एसेट्स आप रख लो एंड जितने भी मेरे डेट क्रेडिटर्स हैं या जितने भी मेरे क्रेडिटर्स हैं आप उनको अकॉर्डिंगली पे कर दो, मैं नहीं पे कर पाऊँगा. तो वो अप्लाई करता है, अपील करता है कोर्ट से. कोर्ट अगर वो अपील उसकी मान लेता है तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है. इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी क्रेडिटर्स होते हैं वो उसको फिर परेशान नहीं करते कि पैसे पे कर, या उसको फिर
कोई भी कुछ नहीं कह सकता बिकॉज अंडर द लॉ ही इज़ डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. उसको कोई कुछ नहीं कह सकता फ्यूचर में. इस इंसॉल्वेंट होने के नुकसान क्या हैं कि आप फ्यूचर में कोई भी कोई एसेट खरीदोगे तो आप पहले किसी भी पर्सन को ये बताओगे कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, इस मैं एसेट खरीद रहा हूँ, तो कोई आपको जल्दी से कोई एसेट देगा नहीं. या फिर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करोगे, लैंड परचेज करोगे, तो जल्दी से नहीं मिलता है. बैंक्स आपको लोन नहीं देते हैं एंड कोई भी आपको गुड्स नहीं दे सेल करेगा ऑन क्रेडिट. तो इसके नुकसान हैं बहुत सारे. सिर्फ इंस्टॉलमेंट एक पर्सन क्यों अपने आप को डिक्लेयर करता है? क्योंकि जो भी हरासमेंट होती है उसे क्रेडिटर से, उससे बचने के लिए. एंड उसको पता है, उसको उम्मीद, उसको पूरी उम्मीद है कि उसको कहीं से भी कोई अमाउंट नहीं रिसीव होगा या उसके पास सिर्फ इतना ही अमाउंट है. उस कोई चांस नहीं है कि कहीं से उसको पैसे मिल जाएं. सो इसीलिए वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है. सो जब भी कोई पर्सन अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है तो जो आप जो आपको जो लॉस होता है उसकी वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? बैडेट्स. बैडेट्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं. एंड जिस पर्सन ने मना किया है कि वो अब फ्यूचर में पे नहीं करेगा, उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं. अब स्टूडेंट्स, कभी कभार क्या होता है, एक सिचुएशन है जिसमें पहले इंसान बैडेट्स डिक्लेयर, पहले वो पर्सन बैडेट्स डिक्लेयर हो गया, बाद में उसने कोई अपना वैसे ही छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी कोई लेट अस सपोज टी की स्टॉल लगाई, एंड टी की स्टॉल लगाने से उसका बिजनेस बहुत अच्छा चला एंड उसने बहुत सारा अर्न कर लिया. अब उसने सोचा, ऑल दो मैं पहले इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका हूँ, बट चलो जिनके मैंने पैसे ले रखे थे उनको पे कर देता हूँ. सो जब वो उनको पेमेंट दे देता है तो वो वाले डेट्स जो रिकवर हो गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैडेट्स रिकवर्ड. अब फॉर लेट अस सपोज अपनी इसी एग्जांपल में मोहन बैडेट्स डिक्लेयर हो गया 10,000 से. आपने मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है. अब 4-5 ईयर्स के बाद मोहन आपके पास आया और उसने कहा कि सर मैंने आपसे 10,000 रुपीज़ लिए थे इस ईयर में, आपने मुझे गुड्स सेल करे थे एंड 10,000 रुपीज़ लिए थे, तो अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैं आपको पे करना चाहता हूँ. तो जो आपको कैश आपको उस टाइम पे क्या रिसीव होगा उससे? कैश. तो आप किसको डेबिट करोगे? कैश के अकाउंट को डेबिट करोगे. और आप क्रेडिट किसको करोगे? अब मोहन के अकाउंट को तो आप क्रेडिट नहीं कर सकते. वाई? क्योंकि पहले ही आपने मोहन के अकाउंट को नलीफाई कर दिया है. कैसे? पहले उसको डेटर माना तो डेबिट किया, फिर जब उसने कहा कि वो नहीं पे कर पाएगा, वो बैड डेट्स हो गया उसका अमाउंट, तो आपने उसको क्रेडिट करके उसके अकाउंट को ख़त्म किया. अब जो अमाउंट आपको उससे रिसीव हुआ है वो एक तरीके से आपका गेन है, आपका अननेचुरल प्रॉफिट है जो ऐसे ही हो गया है. तो उसको हम किस नाम से लिखेंगे? टू बैड डेट्स रिकवर्ड. उसके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, नेवर एवर क्रेडिट अकाउंट ऑफ दैट पर्सन. तो हम किस में डालेंगे? आपकी वो इनकम है या फिर वो आपकी गेन है, अननेचुरल गेन है, तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट में डालोगे. और आपके आपके पास रिसीव क्या हुआ है? कैश रिसीव हुआ, तो कैश को आप डेबिट करोगे. सो दीज आर द एंट्रीज जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सो नाउ हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है. लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एंट्री. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स की बुक्स में ये वाली ट्रांजैक्शंस को पास करो. फर्स्ट, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑफ ₹10,000. मिस्टर एक्स ने कोई मशीनरी परचेज करी होगी, उस पर वो क्या कह रहा है कि 5% की डेप्रिसिएशन लगाओ. डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू. तो अब वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है तो हम किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे? डेप्रिसिएशन. वाई? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज़ अ बिजनेस एक्सपेंस. तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट को हमने डेबिट किया. कितने से? वो देखेंगे. टू, क्रेडिट किसको करेंगे? मशीनरी के अकाउंट को, क्योंकि किसकी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है? मशीन की वैल्यू में. कितने से? 10,000 की मशीनरी है, उस पर 5% डेप्रिसिएशन लगाने को कहा है. तो 10,000 का 5% कितना हुआ? 500. ये आपकी एंट्री होगी. राइट द नरेशन योर सेल्फ. सेकेंड, परचेज ओल्ड मशीनरी ऑफ ₹1,20,000 एंड स्पेंड 7,000 ऑन इट्स ओवरहोलिंग एंड 3,000 ऑन इट्स कैरेज. हमने एक पुरानी मशीन खरीदी है 1,20,000 की एंड उसको एक ठीक कंडीशन में करने के लिए हमने 7,000 उसकी ओवरहॉलिंग में परचे स्पेंड किया एंड 3,000 उसके कैरेज में लेके जाने के खर्चा किया हमने. सो टोटल आपकी आपके पास क्या आया? मशीनरी, ओल्ड मशीनरी. तो आप किसको डेबिट करोगे? मशीन के अकाउंट को डेबिट करोगे. और आपके पास से क्या गया? कैश गया. तो टू कुछ भी नहीं लिखा, तो मतलब कैश में पेमेंट करी होगी. टू कैश. कितने की वैल्यू है? 1,20,000 प्लस
7,000 ओवरऑलिंग मैंने क्या बताया था, जब कोई सेकेंड हैंड मशीनरी या कोई भी आप न्यू मशीनरी परचेज करते हो तो जितने भी आप एक्सपेंसेस करते हो वो सब उसी के अकाउंट में आप डेबिट करते हो. तो मशीनरी के अकाउंट में कितना जाएगा, 1,20,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, कितना हुआ 1,30,000. नेक्स्ट जर्नल एंट्री, पेड टू कृष्णा रुपीज 9,000 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ रुपीज 9,450. आपने कृष्णा को पेमेंट की है 9,000 की, उसकी फुल पेमेंट ऑफ अ ड्यूज, टोटल ड्यूज कितने थे, टोटल आपको कितना पे करना था 9,450, उसमें से आपने कितना पे करके उसके अकाउंट को सेटल कर दिया 9,000 पे करके. तो आपके पास से क्या गया, कैश टू कैश कितना गया 9,000 का. एंड किसका अकाउंट कम हो गया, कृष्णा का. अब आपको फ्यूचर में उसको पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी पे कर दिया, तो टू कृष्णा, कृष्णा सॉरी कृष्णा के अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट. कितने से, कितना पे करना था आपको कृष्णा को 9,450, तो 9,450 से डेबिट करेंगे. अब 9,450 पे करना था, पे कितना किया आपने 9,000, तो कितने का आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया 450 का. तो 450 हम क्या लिख देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव. ये आप फुल शॉर्ट फॉर्म्स प्लीज़ मत यूज़ करना, एग्जाम्स में नंबर्स कट सकते हैं. फोर्थ, परचेज बिल्डिंग ऑफ रुपीज़ 5,00,000, 5,00,000 की आपने बिल्डिंग परचेज करी है, उस पर 2% उसके ब्रोकरेज पे, ब्रोकरेज पे करी है. जैसे जब भी आप किसी स्टूडेंट्स जब भी आप किसी बिल्डिंग को परचेज करते हो तो किसी ब्रोकर के थ्रू पे खरीदते हो. ब्रोकर मीन्स वो पर्सन जो रेगुलरली डील करता है बिल्डिंग्स या लैंड्स की परचेज सेल में. तो ब्रोकर को जो आपने अमाउंट पे किया उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोकरेज. तो आपने 2% पे किया एंड 20,000 रजिस्ट्रेशन का पे किया. द अमाउंट ऑफ 5,00,000 वॉज पेड बाय चेक. आपने जो 5,00,000 का उसमें से अमाउंट है वो चेक के थ्रू पे किया. अब ये क्या हो गया, आपने बिल्डिंग परचेज करी है. तो मैंने क्या कहा था, जब भी आप कोई बिल्डिंग या एसेट परचेज करते हो, फिक्स्ड एसेट, तो जितने भी एक्सपेंसेस उस टाइम पे किए वो सारे उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं. तो आपके पास क्या आया, बिल्डिंग. आप किसको डेबिट करोगे, बिल्डिंग के अकाउंट को आप डेबिट करोगे. एंड आपके पास से क्या गया, कैश. बट मैम कैश तो नहीं गया, कैश भी गया एंड साथ में बैंक से भी पेमेंट करी है. बैंक से आपने कितनी पेमेंट करी है स्टूडेंट्स, 5,00,000 की. तो हम बैंक के अकाउंट में कितना डालेंगे 5,00,000. एंड कैश के अकाउंट में कितना डालेंगे, 2% ब्रोकरेज आपने पे करी है एंड 20,000 पे करा है. तो 2% ब्रोकरेज परचेज पे, तो 5,00,000 का 2% कितना हुआ 10,000 प्लस 20,000 उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो 30,000 ये हो गया. एंड टोटल आपने कितने की वैल्यू की बिल्डिंग आपके पास इंक्रीज हो गई, 5,00,000 प्लस 20 प्लस 2% उसके 5,00,000 पे, तो 5,30,000. डेबिट एंड क्रेडिट दोनों मैच हो गए. हर एंट्री में डेबिट एंड क्रेडिट मैच होंगे, अगर नहीं हो रहे तो मतलब कोई मिस्टेक कर रहे हो आप. फिफ्थ, 10,000 ऑफ द गुड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी. समटाइम्स क्या होता है, बिजनेस ना चैरिटी भी करता है, तो जो गुड्स चैरिटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करे हैं तो आप क्या डेबिट, आपके पास से क्या गया गुड्स, तो आप किसको क्रेडिट करोगे, गुड्स को. परचेज वैल्यू पे करे हैं तो टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000. आपके पास क्या आया, कुछ नहीं, बट एक एक्सपेंस हुआ किस नाम से, चैरिटी के नाम से. तो चैरिटी के अकाउंट को आप क्या कर दोगे डेबिट, कितने से 10,000 से. नेक्स्ट, 20,000 ऑफ द गुड्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स. 20,000 के गुड्स आपने फ्री सैम्पल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. तो फ्री सैम्पल्स की तरह करें तो आपने एडवर्टीजमेंट करी है बेसिकली उन गुड्स की. तो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस को आप क्या करोगे डेबिट करोगे, कितने से 20,000 से. एंड क्योंकि गुड्स डिक्रीज हुए हैं, परचेज वैल्यू पर डिक्रीज हुए हैं, तो आप परचेज के अकाउंट को क्रेडिट करोगे, कितने से 20,000 से. नेक्स्ट, नवीन हु ओड मी 15,000 बिकेम इंस्टॉलमेंट एंड ओनली 30 पैसा कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. नवीन कोई क्रेडिटर है आपका, सॉरी नवीन कोई डेटर है आपका, उसको 15,000 देने थे, वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया एंड सिर्फ 30% ही उसकी, उसके एसेट्स में से उसकी जो भी वैल्यू है उसके एसेट्स की, सिर्फ 30% ही रिसीव हो पा रहा है. तो 15,000 का 30% ही आपको कैश रिसीव हो रहा है. तो आपके पास क्या आया, कैश आया, बट कितना आया, सिर्फ 30%. तो 15,000 का 30% निकालोगे तो कितना बनेगा 4,500. तो आप किसको डेबिट करोगे, कैश को, क्योंकि कैश कितना आया 4,500 को डेबिट किया.
साथ में आपके पास से क्या गया, साथ में क्या हुआ स्टूडेंट्स, 15,000 इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया वो. अब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो मतलब फ्यूचर में भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो आपको फ्यूचर में पे करेगा. तो वो अमाउंट आज आपके लिए क्या हो गया, वो डेट्स आपके लिए आज क्या हो गए, बैड. सो आप किसको डेबिट करोगे, अपने लॉस को. लॉस क्या है, बैड डेट्स. बैड डेट्स के अकाउंट को डेबिट करोगे. कितने से, 15,000 टोटल लेना था, उसमें से 4,500 हमें मिल गया है एंड बैलेंस उसने मना कर दिया, तो 10,500 टोटल. अब नवीन के अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट, क्योंकि अब इससे कुछ अमाउंट फ्यूचर में नहीं रिसीव होगा. कितना, 15,000. नेक्स्ट एंट्री, इतना अमाउंट रिसीव हो गया, इतना नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया एंड सिर्फ 30% रिसीव हो रहा है. नेक्स्ट, परचेज्ड हॉर्स फॉर ₹2,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक. आपने एक हॉर्स खरीदा है तो आप किसको डेबिट करोगे, आपके पास क्या आया, हॉर्स आया. हॉर्स एक तरीके से फिक्स्ड एसेट होता है. सो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एनिमल या कोई भी लाइव एनिमल या कुछ भी खरीदते हैं, एनिमल्स वगैरह खरीदते हैं, तो हम एनिमल का नाम ना लिख के हम लाइव स्टॉक लिखते हैं, लाइव स्टॉक. तो लाइव स्टॉक के अकाउंट को आप डेबिट करोगे, कितने से, 2,50,000 से. एंड आप क्रेडिट किसको करोगे, आपने पेमेंट करी है किससे, बैंक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट, कैश नहीं करोगे. सो 2,50,000. जब भी आप कोई एनिमल परचेज करते हो तो उस एनिमल का नेम ना लिख के आप लाइव स्टॉक के अकाउंट को डेबिट करते हो. नेक्स्ट एंट्री, एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड. पहले कोई आपका अमाउंट था 10,000 जो पहले आपने कभी पास्ट में आपने उसको बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया था, वो आज आपको रिसीव हो गया है. तो आज आपके पास क्या आया, कैश. कितना, 10,000. तो आप किसको डेबिट करोगे, कैश के अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट. कितनी वैल्यू से, 10,000. एंड आपका ये 10,000 जो है ये क्या है, एक गेन है. सो गेन का नाम क्या है, बैड डेट्स. सो बैड डेट्स रिकवर्ड. कितना, 10,000. नेक्स्ट, टेंथ, प्रोवाइड IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 एट 6% पर एनम फॉर 9 months. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है. कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर. जो तो आप अगर इंटरेस्ट दोगे तो आपके लिए वो क्या है, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट. मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपके साथ ही डिस्कस किया था टॉपिक, उस टॉपिक को वहाँ से रेफर करना. टू, हम कैश में कभी भी नहीं पे करते, ये नॉन कैश आइटम होता है, तो हम ओनर के कैपिटल के अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे. कितना, 1,50,000 के कैपिटल पे पे करना है. कितना इंटरेस्ट, 6% के रेट से. कितने मंथ्स के लिए, 9 months के लिए. अगर मंथ्स नहीं लिखे तो होते तो हम पूरा 12 months के लिए करते. कितना हो गया वैल्यू, 6,750. स्टूडेंट्स, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू डोंट यूज़ कैलकुलेटर्स. इनफैक्ट टैली करने के लिए भी आप कैलकुलेटर्स ना यूज़ करें, अदरवाइज आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी. सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे. रिवाइज टुडेज टॉपिक मैंने बिलो प्रोवाइडेड लिंक में नोट्स अटैच किए हैं. टिल देन, बाय एंड थैंक यू.